हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि मोनो किचन्स। तो आज आदि मोनो किचन्स में मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाने के लिए मैंने सिर्फ बेसन और एक आलू का यूज किया। और उससे भी ये नाश्ता इतना टेस्टी बना है ना कि आप सुबह नाश्ते में रोज इसे ही बनाना चाहेंगे। कम ऑयल वाला, कम सामान से एकदम टेस्टी चटपटा हेल्दी सा नाश्ता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस चटपटे से नाश्ते को। इस नाश्ते को बनाने के लिए मिक्सिंग बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ एक कटोरी बेसन। ये बेसन को मैंने छान करके लिया है, तो जब भी आप ये नाश्ता बनाएं तो बेसन को पहले ही छान लें। इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। चटपटे फ्लेवर के लिए इसमें मैं आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा नाश्ते में। आधा चम्मच जीरा डालेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मसालों को मिक्स कर लिया है, तो इसका हमें बैटर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। जब भी आप बेसन का कोई भी बैटर तैयार करें तो उस टाइम पे बेसन को आप छान करके लें। इससे जब आप बैटर तैयार करेंगे तो बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेगा और बैटर आपका फटाफट बन करके तैयार हो जाएगा। बैटर को हमने मिक्स कर लिया है और ये देखिए बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं है। सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगा है बैटर को तैयार करने में। इसमें हम कुछ और सब्जियाँ ऐड करेंगे। एक हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं। एक मीडियम साइज का मैंने आलू लिया था और आलू को मैंने कद्दूकस करके लिया है, तो उसे भी ऐड कर देंगे। ये हमने कच्चे आलू का यूज किया है। हरा धनिया डाल देंगे। धनिया की क्वांटिटी आपको थोड़ी सी ज्यादा डालनी है, और अगर आप चाहें तो धनिया की जगह पे इसमें मेथी को बारीक बारीक कट करके डाल सकते हैं या फिर पालक भी डाल सकते हैं। आलू को भी बैटर के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू को भी हमने बैटर के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमने किस तरीके का बैटर बना करके तैयार किया है। और ये देखिए इस तरीके का ही बैटर बनाकर हम तैयार करना है। इसमें ना तो हमने सोडे का यूज़ किया है और ना ही इनो का, और फिर भी ये नाश्ता उतना ही टेस्टी बनेगा। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर हमने नॉनस्टिक पैन रखा है और गैस को हमने ऑन कर दिया है। तो ब्रश को हम ऑयल में डिप करेंगे और पूरे तवे के ऊपर अच्छे से ग्रीस कर देंगे। और एक बड़े चम्मच भर करके बैटर लेंगे और डायरेक्ट उसे तवे के ऊपर फैलाएंगे। गैस को हमने लो ही रखा है बैटर को फैलाते समय। नाश्ते को अब हम एक साइड से तब तक सेकेंगे जब तक ये नाश्ता हमारा ऊपर साइड से अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, तब तक इसे हम लो फ्लेम पे कवर करके ऐसे ही सेकने देंगे। 1 मिनट से ऊपर हो गया है तो नाश्ते को चेक करेंगे। देखिए नाश्ता हमारा ऊपर साइड से अच्छे से ड्राई हो गया है, तो ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। जब ये ऊपर साइड से एकदम अच्छे से ड्राई हो जाए तभी आपको इसमें ऑयल ग्रीस करना है। ऊपर साइड से इसे हमने ग्रीस कर दिया है ऑयल से, तो इसे पलटा देंगे। और ये देखिए एक साइड से कितना अच्छा कलर आ चुका है, तो दूसरे साइड से भी 1 मिनट के लिए इसे हम लो फ्लेम पे कवर करके ऐसे ही सेकने देंगे। दूसरे साइड से भी एक बार नाश्ते को चेक कर लेंगे। तो अब ये देखिए इस तरीके से सब तरफ से दबा दबा के नाश्ते को हम अच्छे से सेकेंगे, जिससे कि नाश्ता हमारा दोनों साइड से अच्छे से सेक करके तैयार हो जाए। एक बार वापस से पलटा देंगे। और ये देखिए नाश्ते को हमने दोनों साइड से उलट पलट करते हुए अच्छे से सेक लिया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। और ऐसे ही फटाफट से मैं आपको एक और बना करके दिखाती हूँ, कितना सिंपल ही है इसे बनाना। ये देखिए एक चम्मच भर के बैटर लेना है और तवे के ऊपर अच्छे से फैला देना है। अगर आपका तवा ज्यादा गर्म हो तो आप गैस को 1 मिनट के लिए बंद कर दें और उसके बाद फिर इसमें बैटर डालें। ये दूसरा भी हमने डाल दिया है इसमें सिकने के लिए, तो इसे भी अब हम कवर करके और थोड़ी थोड़ी देर में उलट पलट करते हुए सेक लेंगे। और ऐसे ही अपने बाकी बच्चे सभी नाश्ते को भी हम फटाफट तैयार करेंगे। बेसन आलू का बहुत ही टेस्टी चटपटा सा नाश्ता तैयार है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ, और बनाना भी इसे बहुत ही सिंपल है। और ये देखिए जितनी पतली हम रोटियां बनाते हैं ना उतना ही पतला हमने इसे बनाया। बनाना तो इतना आसान है ना कि आप इसे रोज़ बना करके खाना चाहेंगे। बहुत हेल्दी है क्योंकि बहुत कम ऑयल में आज हमने इसे बनाया है। तो आप इसे चाहे तो आलू बेसन का चीला या पराठा कुछ भी कह सकते हैं। आपके इधर इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऑल बेल आइकन दी होगी बगल में, उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो मैं फिर ऐसी नई रेसिपियाँ लाती रहूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।